नमस्कार, मैं धर्मेंद्र शर्मा, विभाग अध्यक्ष रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज विषय कोड MR 202 के टॉपिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स क्लासिफिकेशन की कड़ी में चौथे तरह के सिस्टम सेंट्रल एयर कंडीशनिंग के ऊपर वार्ता करूँगा। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के मुख्य कंपोनेंट जो कि कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस तथा एवापोरेटर होते हैं, और इनको सम्मिलित रूप से चिलर के नाम से जाना जाता है। इस चिलर को एक सेंट्रल स्पेस जिसे कि प्लांट रूम बोलते हैं वहाँ पर रखा जाता है। इस प्लांट रूम से चिल वाटर की लाइन बिल्डिंग के अलग अलग एरियाज के अंदर जाती है जहाँ पे भी कूलिंग करनी होती है। इस सिस्टम का कंडेंसर एयर कूल या वाटर कूल हो सकता है। यदि विंटर में हीटिंग की ज़रूरत भी हो तो फिर पाइपलाइन के अंदर कोल्ड वाटर की जगह हॉट वाटर प्रोड्यूस किया जाता है, फ्लो करवाया जाता है, और इस हॉट वाटर के प्रोडक्शन के लिए कई तरह के सिस्टम काम में लिए जाते हैं, जिसके अंदर हीट पंप हो सकता है, हॉट वाटर जनरेटर हो सकता है, बॉयलर हो सकता है, या फिर सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम भी आजकल काफ़ी प्रयोग में लाया जाता है। ये आप एक चित्र देख रहे हैं जिसके अंदर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो मैंने अभी बताया आपको, चिलर यहाँ पे दिखा रखा है जिसके चारों मेन कंपोनेंट यहाँ पे हैं। इस चिलर में एवापोरेटर से ठंडा पानी एक पंप की सहायता से एयर हैंडलिंग यूनिट जो कि बिल्डिंग के अलग अलग एरिया में लोड के हिसाब से लगी हुई होगी वहाँ पे ये ठंडा पानी प्रवाहित हो रहा है, और इस एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर कॉइल के ऊपर से हवा को प्रवाहित किया जाता है और इस ठंडी हवा को अब रूम के अंदर एयर कंडीशनिंग करने के लिए फ्लो करवाया जाता है। इस सिस्टम में आप कंडेंसर जो देख रहे हैं ये वाटर कूल कंडेंसर है जो कि एक कूलिंग टावर के साथ के अंदर जुड़ा हुआ है। कंडेंसर की हीट यहाँ पे पानी के द्वारा, ठंडा पानी जो कि कूलिंग टावर से आ रहा है इससे लेके जाई जा रही है, और गर्म पानी यहाँ पे इस कूलिंग टावर के अंदर वापस से ठंडा किया जाता है। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं, वाटर कूल सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम तथा एयर कूल्ड सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। वाटर कूल्ड के अंदर एक वाटर कूल कंडेंसर के साथ में कूलिंग टावर का इस्तेमाल किया जाता है, और कूलिंग टावर तथा कंडेंसर के बीच में पानी के सर्कुलेशन के लिए एक पंप का इस्तेमाल किया जाता है। कंडेंसर का प्रकार शैलेट ट्यूब टाइप का होता है तथा कूलिंग टावर प्लांट रूम से बाहर किसी खुले स्थान के ऊपर लगाया जाता है। ये आप एक सर्किट डायग्राम देख रहे हैं जिसके अंदर कूलिंग टावर तथा कंडेंसर के बीच में पंप के द्वारा पानी के सर्कुलेशन को बताया गया है। ये एक एक्चुअल पिक्चर है जो कि वाटर कूल्ड सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की है, जिसमें मेजर कंपोनेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ऊपर कंप्रेसर लगा हुआ दिख रहा है, कंप्रेसर से जो लाइन है ये लाइन कंडेंसर में आ रही है जो अभी मैंने आपको बताया शैलेंट ट्यूब टाइप कंडेंसर है। इस शैलेंट ट्यूब टाइप कंडेंसर से लिक्विड एवापोरेटर में जा रहा है, वापस से ये शैलेंट ट्यूब टाइप एवापोरेटर है जहाँ पे कि अब पानी को ठंडा किया जाता है, और यहाँ से वेपर रेफ्रिजरेंट पुनः कंप्रेसर में आ रही है। एक्सपेंशन डिवाइस आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक्सपेंशन डिवाइस यहाँ पे थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व काम में लिया जाता है। इस पूरी यूनिट को चिलर बोला जाता है जो कि मैकेनिकल रूम या प्लांट रूम के अंदर स्थित होता है। दूसरी तरह का सिस्टम जो कि एयर कूल्ड सिस्टम होता है, इसमें काम लिया जाने वाला कंडेंसर फिन ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है, जिसमें कंडेंसर के ऊपर से हवा को प्रवाहित करने के लिए एक फैन का इस्तेमाल किया जाता है। यह सिस्टम एयर कूल्ड सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम खुले स्थान के ऊपर, सामान्यतः टेरेस के ऊपर, छत के ऊपर, या फिर खुली अगर ग्राउंड फ्लोर पर कोई जगह है तो खुली जगह के ऊपर स्थित किया जाता है। ये आप एक एक्चुअल पिक्चर देख रहे हैं जो कि एयर कूल्ड सेंट्रल एयर कंडीशनर की है। यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे कंप्रेसर दिखा रहा है, ये कंडेंसर है, दोनों साइड के अंदर आप देख रहे हैं कंडेंसर है, और ऊपर ये जो चार फैन दिख रहे हैं ये कंडेंसर के ऊपर को एयर सर्कुलेशन के लिए फैंस लगे हुए हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर है वो है चिल वाटर या हॉट वाटर का फ्लो प्लांट रूम से लेकर बिल्डिंग के विभिन्न भागों में जहाँ पे भी एयर कंडीशनिंग की जानी है।
इस काम के लिए एक पंप का इस्तेमाल किया जाता है जो कि पंप कोल्ड वाटर को या हॉट वाटर को प्लांट रूम से सर्कुलेट करता है। बिल्डिंग में अलग अलग लोकेशंस के ऊपर बिल्डिंग लोड के हिसाब से और यूजेस के हिसाब से एयर हैंडलिंग यूनिट या फैन कोयल यूनिट वहाँ पे लगी हुई होती है, जिसके अंदर पंप से आने वाले चिल वाटर या हॉट वाटर को सर्कुलेट किया जाता है। ये चिल वाटर या हॉट वाटर रूम की एयर से या तो हीट एब्जॉर्ब करेगा और या फिर रूम की एयर को हीट देगा। इसके बाद में जो पानी है वो वापस से प्लांट रूम के अंदर लाया जाता है और प्लांट रूम के जाने के बाद में वापस से ये एचयू को सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो ये एक क्लोज सर्किट जो है, ये चिल वाटर का सर्किट कंटिन्यूसली चलता रहता है। दूसरा जो वाटर का सर्किट होता है वो कंडेंसर तथा कूलिंग टावर के बीच में होता है, जो पहले एक शीट के अंदर, एक डायग्राम के अंदर अभी आपको दिखाया गया था। अब इस डायग्राम के अंदर एवापोरेटर तथा एएचयू के बीच के वाटर सर्किट को यहाँ पे दिखाया गया है। ये चिलर है जो कि प्लांट रूम में लगाया हुआ है और एक साइड में आपको यहाँ पे बॉयलर भी दिख रहा है, जो कि यदि पानी को गर्म करना हो तो ये कूलिंग के लिए और ये हीटिंग के लिए, इन दोनों के लिए इक्विपमेंट लगे हुए हैं। और एक ही पंप लगा हुआ है जो कि चिल वाटर को या फिर हॉट वाटर को सर्कुलेट करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ब्लू कलर की लाइन है, ये सप्लाई पाइपिंग है जो कि डिफरेंट एएचयूज़ के ऊपर, जो कि बिल्डिंग के अलग अलग स्थानों पर लोड के हिसाब से लगी हुई है, वहाँ पे पानी को सप्लाई कर रही है। और दूसरा जो लाइट कलर का पाइप है, ये रिटर्न पाइप है। इस रिटर्न पाइप से वापस से जो पानी है वो पानी पुनः लौट कर पंप के ऊपर आ रहा है और पंप से वापस से ये चिलर के अंदर या फिर बॉयलर के अंदर सर्कुलेट होगा। तो ये सप्लाई वाटर लाइन और ये रिटर्न वाटर लाइन, एएचयू, चिलर और बॉयलर, इन सब से एक ये वाटर सर्किट यहाँ पे बन रहा है। तो कुल दो वाटर सर्किट सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर हुए। एक सर्किट चिलर और एएचयू के बीच में हुआ, जो कि चिल वाटर पंप के द्वारा सर्कुलेशन हो रहा है, और दूसरा चिलर तथा कूलिंग टावर के बीच में हुआ, जो कि कूलिंग टावर पंप के द्वारा सर्कुलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखें दो सर्किट्स जो हैं यहाँ पे ये काम में आ रहे हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर वो है एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एएचयू या एफसीयू से जो कंडीशनड एयर है वो कंडीशनड एयर डक्ट के द्वारा कंडीशन स्पेस के ऊपर लेके जाई जाती है, जहाँ पे कि ये कूलिंग प्रोड्यूस करेगी या हीटिंग प्रोड्यूस करेगी, और वापस से इस हवा को एएचयू या एफसीयू के ऊपर लेके आया जाता है, जो कि रिटर्न एयर डक्ट के द्वारा लेके आया जाता है। ये डक्ट वर्क आपको दिखाया गया है। यहाँ पे एयर हैंडलिंग यूनिट लगी हुई है फॉल सीलिंग के अंदर। ये एयर हैंडलिंग यूनिट अंडर सीलिंग हो सकती है या फिर फ्लोर माउंटेड हो सकती है, और ये एक डक्ट के द्वारा कमरे के अंदर एयर सप्लाई कर रही है और रिटर्न एयर डक्ट वापस से यहाँ पे एएचयू के ऊपर आ रही है। अगर कोई छोटा स्थान है तो वहाँ पे एएचयू की जगह एफसीयू का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि नॉर्मली होटल्स के रूम के अंदर होता है या छोटे कोई ऑफिस के कैबिन्स हैं वहाँ पे भी एएचयू की जगह एफसीयू का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक पिक्चर है जिसके अंदर राउंड डक्ट दिखा रखी है, सप्लाई एयर डक्ट है जो कि कमरे के अंदर एयर को सर्कुलेट कर रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तीन स्थान के ऊपर एयर का आउटलेट हैं, ग्रिल्स हैं, जिनके द्वारा कमरे के अंदर हवा अंदर आ रही है। ये विभिन्न प्रकार के आउटलेट्स यहाँ पर आपको चित्र में दिखाए गए हैं जो कि सप्लाई और रिटर्न के अंदर काम में लिए जाते हैं। तो आर्किटेक्चरल अपीयरेंस के हिसाब से, रूम की इंटीरियर डिजाइनिंग के हिसाब से, इनमें से किसी भी प्रकार का एयर आउटलेट आप काम में ले सकते हैं। धन्यवाद।